बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इन पेपर जॉब्स एमसीक्यू यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, ये पेपर हुआ था, आज ही हुआ था, सब इंजीनियर का ये पेपर है, ATS के ज़रिए हुआ था। इसका पहला हिस्सा जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और इसका लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये इसका दूसरा पार्ट है। सबसे पहले मैं आपको इसका ऑफिशियल पेपर दिखा देता हूँ, इसके बाद फिर वापस इधर आएँगे और यहाँ पर इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलो चलते हैं अपने ऑफिशियल पेपर पर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हम इसके ऑफिशियल पेपर पर आ गए हैं। ये इसका ऑफिशियल पेपर है जो 50 तक मैंने हल किया हुआ था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे। ये सारा जो है मैंने राइट किया हुआ है और आप सबकी बेहतरीन यानी क्वालिटी के लिए ये मैंने राइट किया हुआ है ताकि आप सबको अच्छे से अच्छी समझ आ जाए। और फिर इसके बाद हम अभी PPT की स्क्रीन पर जाएंगे। या इसकी इंग्लिश की MCQ थे, तकरीबन 15% इसमें इंग्लिश थी, बाकी सारा जो 85% ये सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड था। जितने भी सिविल इंजीनियर हैं जो सिविल से ताल्लुक़ रखते हैं सिविल इंजीनियरिंग से, तो ये इन सब के लिए इंतहाई अहम पेपर है। तो चलो चलते हैं अपने PPT की स्क्रीन पर और वहाँ पर इसको अलग करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हम अपनी PPT की स्क्रीन पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स इज फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो ये जो होते हैं बट जॉइंट विद डबल कवर प्लेट्स, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं कि द डिफरेंट बिटवीन ग्रॉस डायमीटर एंड नॉमिनल डायमीटर फॉर द रिवेट्स अप टू 25 mm डायमीटर, इसका कितना होता है, 1.5 mm होता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं कि एज कम्पेयर टू फील्ड रिवर्ट द शॉक रिवर्ट और, तो ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्गर होता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं कि इफ़ द थिकनेस ऑफ प्लेट टू बी कनेक्टेड बाई अ रिवेट इज 16 mm द देन सुटेबल साइज ऑफ रिवेट इज पर अनविंस फार्मूला विल बी, तो क्या होगा, 24 mm होगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं कि बाई प्रोवाइडिंग सफिशेंट एज डिस्टेंस विच ऑफ द फॉलोइंग फेलर्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स कैन बी अवॉइडेड, तो ये जो होगा शेयर फेलर ऑफ द प्लेट, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं कि इफिशियंसी ऑफ ए रिवेटेड जॉइंट हैविंग द मिनिमम पिच एज पर 15:800, तो ये कितना होगा, 60% होगा। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपने कलेक्ट करनी है कि बोल्ट्स आर यूज्ड एज अ टेम्पररी फैस्टनिंग वेयर्स रिवेट्स और यूज्ड एज परमानेंट फैस्टनिंग्स, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं कि बोल्ट्स आर मोस्ट सुटेबल टू कैरी, ये क्या होता है, एग्जाइल टेंशन, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं कि डायमीटर ऑफ ए बोल्ट होल इज यूजुअली टेकन ए, तो ये नॉमिनल डायमीटर प्लस 1.5 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं कि द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए फील्ड वेल्ट शुड नॉट बी लेस देन, तो ये होता है 4 times द वेल्ट साइज, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं कि फ्लूड इज अ सब्सटेंस विच ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ शेप। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं कि प्रैक्टिकल फ्लूड जो होते हैं पोजेस ऑल द अबव प्रॉपर्टीज, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं कि अ फ्लूड इज अ सेड टू बी आइडियल इफ इट इज, ये होता है इनवाइसिव एंड इनकंप्रेसिबल, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं कि एन आइडल फ्लो ऑफ एनी फ्लूड मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग, तो ये होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं कि इफ नो रेजिस्टेंस इज इनकाउंटर्ड वाई डिस्प्लेसमेंट सच ए डिस्टेंस इज नॉन एज, इसको क्या कहता है, आइडियल इन फ्लूड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं कि द वॉल्यूमेट्रिक चेंज ऑफ द फ्लूड कॉज बाई रेजिस्टेंस इज नॉन एज, इसको कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं कि लिक्विड जो होते हैं कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम ऑफ ये 4 degrees centigrade, इसका होता है। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूड बाई विच इट्स ओन मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड, इसको कोहेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं कि द गैस विच मे कॉज एक्सप्लोजन इज सीवरेज, ये कौन सा है, मीथेन है,
ये क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं कि एसिड रिग्रेशन स्टेज ऑफ स्लग डाइजेशन 8 और टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सटेंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ ये 90 डेज का होता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं कि पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है, ये सारे ऑप्शन होंगे दी थी, ये सारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं कि द कोगुलेंट विच इज जनरली नॉट यूज फॉर ट्रीटिंग द सेवेज इज, तो ये आलम है। क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं कि द लेयर्स ऑफ वेजिटेबल वेस्ट एंड नाइट सॉइल अल्टरनेटिवली पाइल्ड अबाउट अबाउट द ग्राउंड टू फ्रॉम अ माउंट, इसका इसको विंड्रो विंड्रो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं कि इफ द फ्लेम ऑफ मेनर सेफ्टी लैम्प इन द अपर लेयर ऑफ स्फीयर फॉर्म आयन एक्सप्लोसिव, द स्फीयर सर्टेनली कंटेन ये मीथेन पर मुश्तमिल होता है। क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड विच एनेबल्स इट टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस इज नोन एज, इसको कोहेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं कि पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपने ये थी कि द वाटर सप्लाई पाइप्स कैरी प्योर वाटर फ्री फ्रॉम सॉलिड पार्टिकल, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं कि पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनकरेक्ट आपने मालूम करनी है कि द गैसेस प्रोड्यूस इन स्लग डाइजेशन प्रोसेस कंटेन 75% कार्बन डाइऑक्साइड, इसका रॉन्ग स्टेटमेंट थी। क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं कि द स्फीयर पाइप जो होते ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है, ये शॉर्ट डिटेल में मैंने ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ये इनका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं कि द सीटिंग वेलोसिटी ऑफ द पर्टिकुलर लार्जर देन 0.06 mm इन अ सेटलिंग टैंक ऑफ डेप्थ 2.4 इज 0.33 meter पर सेकेंड, द डिटेंटेशन पीरियड रिकमेंडेड फॉर द टैंक इज, तो ये दो भाव और इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं कि सिनोनिम ऑफ ट्रिफल, ट्रिफल का मतलब क्या है यानी बड़ा, तो इस तरह लार्ज इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं कि सिनोनिम ऑफ आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब क्या है यानी बहुत बातूनी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है टालकेटिव है। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं कि सिनोनिम ऑफ बीच, बीच का सिनोनिम क्या है कॉइस्ट है। क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं कि सिनोनिम ऑफ रिडिक्लियस, तो रिडिक्लियस रिडिकोलियस इस तरह कुछ है ये फनी, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं कि सिनोनिम ऑफ कॉस्टली, कॉस्टली का मतलब क्या है एक्सपेंसिव है। क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं कि एंटोनिम ऑफ केमोरेशन, तो केमोरेशन का क्या है फॉरगेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं कि एंटोनिम ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब क्या है वेल्थ है। क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं कि एंटोनिम ऑफ फ्लोरलेस का क्या है इंसिपायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं कि एंटोनिम ऑफ बेस्ट का क्या है अनफेयर है। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं कि एंटोनिम ऑफ रिस्पेक्टफुल है, एक इज्जतदार होते हैं तो दूसरा बेइज्जत होता है, तो इसका अनरिस्पेक्टफुल आई थिंक है, लेकिन मैं मुझे इसका आंसर नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं कि ही इज एंग्री डैश हिज ब्रदर, इन ये प्रीपोजिशन है ऑन, हिज ब्रदर ऑन लगेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं कि माई फ्रेंड एसीडेड डैश माई रिक्वेस्ट, टू लगेगा यहाँ पर, ये प्रीपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं कि बेड ड्राइविंग डैश मेनी एक्सीडेंट्स कॉजेस, वजह बनता है यानी बुरी ड्राइविंग जो होती है ये वजह बनती है एक्सीडेंट की। क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं कि व्हाट यू डू, यहाँ पर क्या लगेगा यू डू लगेगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं कि ही इज इनवाइटेड मी टेस्टी, टू टी लगेगा यहाँ पर, टू इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं फ्रॉम द गिवन वर्ड टू द करेक्ट वन, करेक्ट एम एम चीओ, ये रिपीटेड जो है स्पेलिंग वाला है आई डब्ल एम ए टी यू आर ई, ये इसका करेक्ट स्पेलिंग है। क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं कि पिक अप द राइट वन एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट का स्पेलिंग ये है। क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं कि सेलेक्ट द राइट ऑप्शन बारगेन, बारगेन का करेक्ट स्पेलिंग ये है। क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं कि फाइंड द करेक्ट स्पेल टुवर्ड डिफरेंस, डिफरेंस का करेक्ट स्पेलिंग ये है। क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं कि विच वन इज द करेक्ट, तो एफिशिएंटली, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमें अपनी खास दुआ में याद रखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।